दोस्तों अभी इस वक्त हम है पटना जंक्शन से बाहर। पीछे आप लोग देख सकते हैं पटना जंक्शन भी दिख रहा है और वहाँ पे तिरंगा झंडा जो लगा हुआ है वहाँ वो भी दिख रहा है। और वहाँ से आप पैदल करीबन 5 मिनट की दूरी पे आएंगे तो अभी हम आ चुके हैं दोस्तों यहाँ पे बुद्ध स्मृति पार्क के पास। आप लोग पीछे देख सकते हैं लिखा भी है और इसके अंदर में दोस्तों काफ़ी बेहतरीन पार्क भी है और पीछे आप लोगों को स्तूप भी दिख रहा है। तो चलिए पहले इसके अंदर में चलते हैं। तो इसके अंदर जाने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले टिकट काउंटर बना हुआ है, तो यहाँ से कोई भी लोग है टिकट ले सकते हैं। तो हमने टिकट ले लिया है, यहाँ पे देख सकते हैं 50 रुपये का टिकट है और इस पर ऊपर लिखा हुआ है बुद्ध स्मृति पार्क पटना। और यहाँ भी देख सकते हैं लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में बुद्ध स्मृति पार्क। और दोस्तों सामने देख सकते हैं ये एंट्री गेट है, तो चलिए पहले एंट्री करते फिर दिखाते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर में एंट्री करते ही ये बुद्ध स्मृति पार्क में सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं ये स्तूप देखने को मिला है। और दोस्तों ये स्तूप जो है वो काफ़ी शानदार दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों ये स्तूप में पहले अंदर चलेंगे, लेकिन इस तरफ दोस्तों यदि दिखाए तो देख सकते हैं कितना बेहतरीन और कितना साफ़ सुथरा से इसे बनाया गया है। दोस्तों ये जो पूरा एरिया है ये 22 एकड़ में फैला हुआ है और दोस्तों इसे बनाने में करीबन 125 करोड़ का खर्च आया है। इस बुद्ध स्मृति पार्क को भगवान बुद्ध के 2554वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में बिहार सरकार द्वारा विकसित किया गया था। और दोस्तों इस तरफ जाएंगे तो इसके इधर म्यूजियम भी बना हुआ है जहाँ पे महात्मा बुद्ध के जीवनी को बताया गया है, दिखाया गया है। दोस्तों इस स्तूप को 27 मई 2010 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन तिब्बतियों के धर्म गुरु दलाई लामा ने इसे जनता को समर्पित किए थे और उन्होंने इस स्तूप का नाम पाटलिपुत्र करुण स्तूप का नाम दिए थे। तो अब हम इस स्तूप के बिल्कुल नज़दीक में आ गए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है पाटलिपुत्र करुण स्तूप, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं। और इस स्तूप के ऊपर चढ़ने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं बनाया गया है यहाँ पे ऊपर जाने के लिए। तो दोस्तों अब हम धीरे धीरे करके इस स्तूप के ऊपर चढ़ रहे हैं और उसके बाद नज़दीक में चलकर आपको अच्छे से इस स्तूप को दिखाते हैं। तो यहाँ से दिखा तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये पूरा स्तूप दिख रहा है और यहाँ से कुछ हल्का हल्का करके देख सकते हैं ऊपर की तरफ जाने वाला है। तो अभी हम एक ऊपर आ गए हैं और ऐसे करके 2-3 बना हुआ है, तो देख सकते हैं एक और ऊपर चढ़ना है, उसके बाद उस इस स्तूप के बिल्कुल नज़दीक में पहुँच जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं बना हुआ है, तो इससे होकर ऊपर चढ़ते हैं और फिर इस स्तूप के नज़दीक में पहुँचते हैं। तो अब हम इस स्तूप के बिल्कुल नज़दीक में पहुंच चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं स्तूप दिख रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं अंदर में जाने वाला है और अंदर में भी जा सकते हैं लोग। तो अभी हम अंदर में चलेंगे और दोस्तों यहाँ से पहले ऊपर स्तूप के ऊपर दिखाया तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, जो कि हमने आप लोगों को कई बार दिखाया है। तो चलिए पहले इसके अंदर में चलते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं और भी कुछ इसके अंदर में। तो दोस्तों फाइनली हमने स्तूप के अंदर जाकर घूम लिया है और अंदर में मोबाइल चलाना या फिर वीडियो लेना, किसी भी प्रकार के कैमरे का अलाउ बिल्कुल भी नहीं है। पहले भी लिखा था तो इसके अंदर का वीडियो तो नहीं ले पाए हैं, लेकिन चलिए इसके बाहर जो कुछ भी था वो दिखाए हैं और आगे भी आप लोगों को काफ़ी सारा चीज़ इस पार्क के अंदर का दिखाएंगे। तो इस स्तूप के ऊपर से यहाँ पे बुद्ध स्मृति पार्क को दिखाया, तो देखिए कितना बेहतरीन तरीके से इस बनाया गया है, जो कि काफ़ी बेहतरीन दिख रहा है। और ये जो बुद्ध स्मृति पार्क है तो इसे देखने के लिए अगर आप स्तूप पे नहीं आना चाहते हैं तो 20 रुपये में आप पूरा पार्क में घूम सकते हैं, और इसके ऊपर अगर आप आना चाहते हैं और स्तूप देखना चाहते हैं इसके ऊपर में, तो इसका टिकट आपको 50 रुपये का लगेगा। तो आप पार्क में और स्तूप के ऊपर भी घूम सकते हैं। तो चलिए अब हम नीचे चलते हैं और नीचे का कुछ सीन आप लोगों को दिखाते हैं। और सामने दोस्तों देख सकते हैं वहाँ पर एक महात्मा बुद्ध का प्रतिमा बना हुआ है वहाँ पर ब्लैक पत्थर का। तो चलिए पहले वहाँ नज़दीक में चलते हैं। तो अब हम इस महात्मा बुद्ध के प्रतिमा के बिल्कुल नज़दीक में आ गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो हमने महात्मा बुद्ध और इस स्तूप को देखने के बाद दोस्तों यहाँ पे बगल में ही बुद्ध स्मृति पार्क था, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया था, बनाया गया था और यहाँ पे काफ़ी सारे शानदार पेड़ पौधे लगाए गए हैं। तो उसे देखने के लिए हम यहाँ पे नज़दीक में आ गए हैं। तो इस तरफ दिखाए तो देख सकते हैं, पहले हम ऊपर से दिखाए थे स्तूप के ऊपर से, और नीचे से दिखाए तो यहाँ से और भी ज़्यादा शानदार दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे भी देखने आए थे घूमने के लिए, तो आप लोगों को भी दिखा दिए हैं। तो चलिए अब इस यहाँ पे देख सकते हैं एक रास्ता है, इससे होकर बाहर निकलने वाला है।
तो अभी बाहर निकलते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमने आपको इस बुद्ध स्मृति पार्क और उस स्तूप को बिल्कुल अच्छे तरीके से दिखाए हैं और सारा जानकारी भी दिए हैं। तो चलिए अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।